अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज तो सेटअप हमारा ऐसा ही चमक रहा है, धमक रहा है चारों तरफ से, मतलब जो है ना चार चांद लगे हुए हमारे सेटअप को। अभी आपको एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा 360 जो है ना घुमा के दिखा देता हूँ कैमरा कि हमारा सेटअप कैसा लग रहा है। अभी यहाँ से आप देखें ये केज, और उसके बाद फिर हमारा ये केज, फिर गोल्ड हाउस, उसके बाद वो वाला हमारा मिनी मास्टर केज, और हमारा सुल्तान बजीज कॉलोनी, और फाइनली हमारे डक हाउस की छत। आए हाय 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 हाय, कैसी चमकाई हुई है मैंने। हाँ, अरे सफर कर जाओ जरा, तुम्हारी छत छत दिखा दूँ मैं, तुम्हारा टेरेस दिखा दूँ, ऊपर से कैसा चमक दमक रहा है भाई। कल जो है ना आपके भाई ने ऐसा काम करा है ना, ऐसा VIP काम करा है, यहाँ पे हर चीज़ हटा दी। और कल की वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी भाई, 45 बच्चे हमने चूहे के निकाले थे। तो जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो अभी जाके देखे, हमने 45 बेबी माउस निकाले, मतलब चूहे के बच्चे निकाल के यहाँ से हम उनको छोड़ कर आए। तो वो व्लॉग भी बड़ा ज़बरदस्त बना है, तो जिन भाइयों ने वो व्लॉग नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई जो है सेटअप को यूनिक बना रहा है, तो उसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो हेल्प करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पे चेक करें, हमारे जो है बेबी बनी बाहर आने लग गए। ओए ये देखिए अंदर चले आएगा अभी। यार ये है कहाँ का, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया बाहर। नहीं यहाँ पे तो कोई है ही नहीं हमारा, कोई भी रैबिट का पेयर यहाँ पे, यहाँ से मुझे लग रहा आया। अरे हाँ वो वाले बच्चे बड़े हुए लेकिन अभी इनसे छोटे हैं, वो वहाँ के बाहर नहीं आते। उनका भी थोड़ा सा डर लगा हुआ है, हमें डर ये लगा हुआ है कि कहीं वो बाहर आ गए ना तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्राउनी के पाँव के नीचे आ जाए। वैसे खैर काफ़ी होशियार होते हैं रैबिट के बच्चे जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ज़रा भी खतरा महसूस होता है ना तो फौरन भाग जाते हैं। अभी देखें ये कैसे घूम रहा है, अरे छोटू सा घूम रहा है, अरे वाह ये कितना प्यारा लग रहा है। ये इसी वजह से मैंने सुराख करे हैं, ये अपनी मर्जी से बाहर आ जाते हैं, अपनी मर्जी से अंदर जा रहे हैं। मर्जी को छोड़ो, कौवे और चील जो है ना पकड़ के ले आएंगे इनको। नहीं नहीं यार फास्ट होते हैं, मैंने देखा है। आज तक हमारे साथ कभी ऐसा सीन हुआ तो नहीं है कि कोई ईगल वीगल पकड़ के लेके जाए, ऐसा कोई मसला तो हुआ नहीं है। अभी मैं वाले बच्चों को भी दिखा देता हूँ, वहाँ पर मेरे ख्याल से जो है ना शायद फीमेल गई हुई है, तो वो फीट शीट करा रही है शायद। यहाँ पे नहीं, फीमेल नहीं है, ये सारे बड़े वाले ही बैठे हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए यार, काफ़ी बड़े हो गए भाई ये वाले बच्चे तो। काफी बड़े को छोड़ो, उसके बच्चे हैं वो बोल रहा था। किसमें बच्चे हैं? अरे वो यहीं से निकल के गए हैं, तू नहीं समझते। हाँ ना वही देखो, ये जो दो बैठे हुए हैं ना ये यहाँ से आए, यहाँ से आए होंगे वो। ये देखो ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ से ये निकल गए, ये वाले ब्लॉक से बाहर आके यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जाके बैठे हैं, यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगा हुआ ना इसलिए। दोस्तों हमारा जो प्रोफेसर है ना वो माशाल्लाह मैडम के साथ यहाँ पर है। ब्राउनी कैसे बाहर आ गई? अरे यार मेरा पाँव दबा दिया सारा तुमने। वो ये सुल्तान उड़ गया, वो देखो बजीज कॉलोनी के ऊपर चला गया, वो उसको उतारो, बजीज कॉलोनी के ऊपर जाके बैठ गया सुल्तान। सुल्तान नीचे आ जाओ, और ब्राउनी तुम अंदर जाओ। दोनों को हमने साथ छोड़ तो दिया है, आज दूसरा तीसरा दिन है लेकिन कोई अंडा अभी तक आया ही नहीं आया, ये हमें पता नहीं है। मैडम तुमने अंडा वंडा दिया? नहीं खाली पड़ा हुआ है, पता नहीं कब अंडे देगी यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, शायद इसका कूड़ा कभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। कूड़क पे ये एक तो ये इसके साथ ये एक ये घूम रही, बाकी गए पता नहीं कहाँ घूमे फिर रहे हैं, ये घूम रही, ये अपनी ये ना बड़ी साथ रहती है मैडम के साथ, इसका बड़ा लगाव है यार मैडम के पीछे से, हटती नहीं है। बाकी बच्चे सारे फरार हो जाते हैं लेकिन ये कहीं नहीं जाती, मैडम के साथ साथ रहती है। ये कहाँ लेके जा रहे हो? ओए यहाँ डाल दिए सारे। अरे ये सही है यार, वैसे धूप भी लगानी चाहिए इनको। माशाल्लाह यार काफ़ी बड़े हो गए बच्चे यार, दिखाओ जरा। टोटो भी है यहाँ पर, टोटो भी अंदर ही है ना। हाँ टोटो अंदर था, बच्चों ने डाल दिया था अंदर। ये देखें भाई बत्तख के बच्चे जो बड़े होते हैं ना स्पीड में, बस कोई मुकाबला नहीं है। देखें सारे एक साथ निकले हैं ये बच्चे, लेकिन बत्तख का साइज़ देखें आप, बेबी डक का, और हमारे चूजों का साइज़ देखें। यार ये चूजों का साइज़ बढ़ाने का तरीका मुझे पता चला है, इनको बनाने पड़ेंगे कीड़े बना के इनको खिलाने पड़ेंगे, फिर ये जो है ना ऐसे होंगे बत्तख की तरह बड़े 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 वजनी। ये मैंने देखा अभी, और फरहान भाई से मैंने पूछा ना, वो भी कह रहे हैं भाई मैं तो खिलाता हूँ कीड़े। मैंने ना मुझे आपने बताया नहीं, आप अकेले अकेले कीड़े खिलाए जा रहे हो अपने चूजों को यार। कीड़े बनाना मुश्किल थोड़ी ना, आसान है, उन्होंने बताया। कह रहा वो ले लो, वो क्या बोलते हैं यार, वो खल होती है ना जो गाय भाई बकरी खाती है, कह रहा उसको रख दो, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा या कोई भूसी टुकड़े वाली रोटी डाल दो, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको 2 या 3 दिन के लिए रख दो कहीं पे छांव वाली जगह पे, जहाँ पे धूप ना आती हो, और आपके कीड़े तैयार, और ऐसे भरे हुए कीड़े तैयार होंगे ना। तो भाई हमें कीड़े बनाने चाहिए नहीं चाहिए, तो आपने कमेंट में बताना है। वैसे मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं, ताकत वाले कीड़े होंगे वो ऐसे खाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे हमारे चूजे यार टायर्ड वाले। हम जो है ना कीड़े बनाएंगे, आप लोग बताएं बनाएं या ना बनाएं।
आ जाओ बच्चों बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ आ जाओ भाई तुम लोग। अरे मिस्टर एंड मिसेस गोल्डी को देख के याद आ गया भाई, कहाँ है तुम्हारे बच्चे जो पहले वाले निकले हैं, कहाँ है बताओ। इन दोनों के बच्चे जो है ना, आप लोग परेशान हो रहे कि कहाँ गए। इनके बच्चे मैं बताता हूँ कहाँ है, आप पहचान नहीं पाएंगे। मिस्टर एंड मिसेस गोल्डी एंड इनके बच्चे, ये रे भाई। आप लोग क्यों परेशान हो जाते कि यार इनके बच्चे कहाँ गए। माशाल्लाह दोनों के दोनों जो है बड़े हो गए और पता ही चल रहा इनमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों को मिस्टर, लेकिन है थोड़ा सा फ़र्क है यार। ये माँ बाप तो बिल्कुल मतलब अच्छे लग रहे हैं, ये अभी थोड़े से छोटे हैं। और मज़े की बात ये है कि ये भी मुर्गा निकला है मेरे ख्याल से, और शायद ये वाला भी मुर्गा निकला है। दोनों के दोनों मेरे को मुर्गे लग रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा था जैसे एक मुर्गी है, लेकिन मुझे अब दोनों ही मुर्गे लग रहे हैं। वो इसको जख्म हुआ हुआ यार, इसको निकालना, ये इसको 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 निकालना, बाहर निकालो इसको। इसके यहाँ पे जख्म नजर आया मेरे को, दिखाना जरा। ओए ये देखो, ये किसने काट दिया। ओए होए होए होए, और ये सही भी हो गया, भी पहले का ये पुराना जख्म है यार इसके, ऐसे था कहीं। हाँ ऐसे था और ये अलग हो गया। ओए शुक्र है सही हो गया यार, बच गया, सही हो गया, मतलब पता भी नहीं चला। हाँ इनको भी बाहर निकाल दो, देखें ये भी मुर्गा है और वो वाला भी मेरे ख्याल से मुर्गा है। अभी इन्होंने कुछ दिनों में जो है ना रोस्ट करना शुरू कर देना कुकड़ू करके। हाँ निकाल दो इसको भी निकाल दो यार, दोनों ही मुर्गे निकले हैं। एक मुर्गी निकल आती ना तो कम से कम अच्छा हो जाता है। एक मुर्गी देखें माशाल्लाह कैसे फिट फाट, ऐसे खुश हो रहे हैं। एक बच्चा जो है ना वो यहाँ पर है, ये रहा ये घूम रहा। अरे कहाँ गया यार, अरे फोकस पकड़ो, वो रहा। हाँ क्या हुआ, एकदम से क्या हो गया था, एकदम जज्बाती हो गया था, क्या हुआ। तो कम नहीं लग रहे हैं, मैंने कल परसों देखे थे बहुत सारे, आज कम लग रहा है। हाँ यार बजीज तो कम होगा यार, मटकियों में बैठे हुए होंगे शायद। हाँ ना ये फीमेल भी मटकी में बैठी हुई है, वो फीमेल भी मटकी में, लेकिन यार बजीज कम है। चेक तो करो, बजीज कम होगा यार, हमारे बजीज लग रहा है फरार होगा। ये देखना कितने कम महसूस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है यार। हाँ टूटा पड़ा है, खा लिया। ये देखें ये मुँह काला नहीं, मुँह पीला करके आया, ये देखो। और ये भी बदतमीज अंडे खाने लगा है, इसकी तो बेगम खाती है और ये भी खाने लगा है। मुझे इसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है ना, देखो पूरा मुंह इसने पीला कर लिया है। दूसरे लेकर आए यार, ऐसे तो सबने देख लिया कि यार ये अंडे खाते हैं, कोई भी नहीं खरीदेगा कोई ना कोई तो खरीद लेगा यार। ये बदमाश है ना, इसने खराब कर दिया अपने जो है ना शोहर को भी इसने खराब करा, पागल ने जो है ना अंडे खा के। तो हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट ये आ रहे हैं कि आप जो है पिजन्स को क्यों बाहर नहीं निकाल ले यार, अभी इनको हमने यहाँ पे शिफ्ट करा ना, ये नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो इनको जगह जो है ना अभी पहचानने देते हैं, एक दो दिन सबर कर जाते हैं। हाँ बच्चा भी मर गया। माता जी ओए होए, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जिन्हें चॉकलेट कॉफ़ी के बच्चों को नज़र वज़र लगी हुई है। देखें दोस्तों कितना बड़ा हो गया था, ये चौथा पांचवा दिन था इसको आज यहाँ पे हमारे पास। मारा है मेरे ख्याल से, ये देखो अभी मारा है ना। हाँ ब्रूडर भी ओके चल रहा है, अंदर पानी भी है, गरम है, हल्का नीम गरम पानी दे रहे थे और बारीक बिल्कुल फीड दे रहे थे, और ये खा पी भी रहा था, पानी भी पी रहा था और बल्ब के नीचे जाके भी बैठ रहा था, बिल्कुल सही। वीडियो में भी दिखाया कितनी बार, लेकिन मुझे लगता है ना कि पता नहीं चॉकलेट कॉफ़ी के बच्चों को कोई मसला। देखो हो सकता हमने पिछली बार ब्रूडर में नहीं रखा था, ब्रूडर में नहीं रखो, अब बच्चा है तो ब्रूडर में, तो ठंड है ना फिर तो वैसे ही मर जाएगा अगर ब्रूडर में नहीं रखेंगे। डब्बे में बना के रखो, हो सकता बच्चा। अब किसको रखें, अब तो मर गया, और बच्चे नहीं है। वो देखो आवाज़ दे रहा, मैं आऊँ, अब तो अंडे ही नहीं है ना चॉकलेट कॉफ़ी के, बहुत ही कम है यार। ब्रूडर को बंद कर दो, ब्रूडर खाली हो गया, इसकी लाइट वाइट बंद कर दो यार, पता नहीं क्या मसला है, कहाँ गलती हो रही होगी हमसे, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पर हम गलती कर रहे होंगे। दाना भी सही दे रहे हैं, फीड भी दे रहे हैं, बारीक फीड दे रहे हैं, पानी भी नीम गरम वाइटामिन के जिना दवाई शवाई मिला के वाइटामिन वो भी दे रहे हैं, और ब्रूडर भी हमारा एनी टाइम ऑन रहता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता रहता है, 32 टेम्परेचर भी बेस्ट है। उसके अलावा क्या गलती हो सकती है, लेकिन इन दोनों को कैसे लेके जाओगे भाई, अकेले बंदे का काम नहीं, ये तो पागल हो जाती है सीढ़ियाँ देख के, ये समझती है मेरे साथ खेल लें, जम करने लग जाती है, ऐसे ऐसे उछल उछल के सीढ़ियों में नाचती फिरती है। इसको तो मेरे को भी जाना पड़ेगा पकड़ लें, इसको पकड़ लो, मैं भी छोटू को पकड़ लेता हूँ। अभी दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर भी आ चुके हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। आप लोग पहले भी ऑलरेडी 2-3 बार आए थे ना, हाँ तो लकीली आज मैं अभी निकलने ही वाला था, अभी यही बोल रहा था कि मैं निकलने वाला हूँ, और अभी भी नसीब आपका अच्छा है जो मिल गया, मैं नहीं तो अभी मैं निकल जाता। अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा, मज़ा आ गया यहाँ पे हैं। चलो देख लो और घूम के देख लो, अभी जस्ट को इसलिए नहीं खोल रहा, ये पकड़ लेंगे आपको, ये दोनों ऊपर चढ़े हुए और इन दोनों के साथ हो गया प्रैंक,
इनके साथ हो गया मोए मोए। कहाँ गई तुम्हारे अंडों की जगह? इस पागल ने 5 अंडे दिए हुए थे और हमारे मिस्टर मिस गोल्डी ने 5-6 अंडे दिए हुए थे। टोटल मिला के 12 अंडे हमने निकाले थे। अब ये बेचारी कैसे परेशान हो गई, घूम रही है कि यार यहाँ पे तो बड़ा कुछ हुआ करता था, सब कुछ खत्म हो गया। आज ओए का जम मारता है, क्यों जम मारा छोटू ने? ये देखो ओए छोटू के बच्चे। अरे बिरौनी यार क्या मसला है, ये पागल कर देंगे। अरे 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 आराम से। देखना ये छोटू को, देखना छोटू को, ये देखो हिरन का बच्चा है, ये हिरन का बच्चा। हम हिरन नहीं लाएंगे अब, ठीक है? हिरन है हमारे भाई, हिरन हम हिरन विरन कैंसिल करते हैं भाई। ब्राउनी आराम से, ये मेरे ना सीधे में हिरन ले आएंगे, बच्चे ग्रो कर लेंगे। वो देखो फिर मस्ती कर रहा है पागल, ये देखना जम कैसे करेगा ये। ओए 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 बस 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 चलते, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए अंदर आ जाओ आ जाओ।